एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में दो तीन बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनके पास सिक्योरिटी के, पंजाब पुलिस के चार कमांडो थे और अभी घल्लू घारा की वजह से सारे हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लू घारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके दो कमांडो विड्रॉ किए गए थे, दो कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एमटी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9 mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम तीन वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है, आईजी रेंज वहाँ पहुँच गए हैं, कैंप कर रहे हैं, एसएसपी मानसा के अलावा एसएसपी बठिंडा भी पहुँच गए हैं, ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। धन्यवाद।